नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजागॉन डॉक के डिविडेंड का, जो कि इन्होंने 7 रुपए का दिया है। तो हम देखेंगे कि इनकी रिकॉर्ड डेट क्या है, और विकास लाइफ केयर और जेपी इंफ्राटेक, जो कि 2 पेनी स्टॉक्स है, उनका हम चार्ट के माध्यम से एनालिसिस करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद सजेशंस देते हैं और हमारे यूजर्स अच्छा पैसा कमाते हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। आप इन्वेस्टमेंट से पहले अपने एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। आइए दोस्तों, अब हम चर्चा शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम मेजागॉन डॉक के डिविडेंड की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने 10 रुपए की फेस वैल्यू पे 7.1 रुपीज का डिविडेंड दिया है, जो कि टोटा 143 करोड़ की जो इनकी प्रॉफिट है वो डिविडेंड में दे रहे हैं, और जो रिकॉर्ड डेट है वो 7 जनवरी है। तो आप अगर इस स्टॉक को खरीदना चाहते हैं दोस्तों, तो एक बार मैं आपको बता देता हूं। तो यहां 7 जनवरी फ्राइडे है और 2 दिन लगता है, तो आप सेफ साइड के लिए मंडे तक इस स्टॉक को जरूर खरीद के रख लीजिएगा अपने पोर्टफोलियो में, अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हैं तो। और दोस्तों, अगर मैं इसकी डिलीवरी की बात करूं, तो यहां पे देखिए दोस्तों, अच्छी डिलीवरी रही है 31% की, ठीक ठाक वॉल्यूम्स में ट्रेडिंग भी हुई है, करीब 7 लाख शेयर। तो अब मैं चार्ट्स पे देखूं दोस्तों, तो जो इतनी हाई वॉल्यूम्स में ट्रेडिंग हुई थी वो तो अभी नहीं है, बट ये स्टॉक एक ब्रेकआउट लेवल के पास जा रहा है। यहां पे ये देखिए कितना अच्छा 2275 एक इसका आप कह सकते हैं एक ब्रेकआउट लेवल है, उसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो फिर ये आराम से इजिली 310 रुपए तक भी जा सकता है। तो हमारा टारगेट वही होगा, 310 रुपए से 320 रुपए के टारगेट्स को हम एम करके चलेंगे, और स्टॉप लॉस जो लगाएंगे वो हम करीब यहाँ पे लगाएंगे, 255 के पास का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो 255 का स्टॉप लॉस और तो 310 से 320 के टारगेट्स। आइए दोस्तों, अब हम 2 स्टॉक्स का डिस्कशन कर लेते हैं जो पेनी स्टॉक्स है। विकास लाइफ केयर, इसके बारे में अगर मैं देखूं दोस्तों, तो इनकी बुक वैल्यू 1 रुपए के आसपास है, तो उसके हिसाब से ये 3.27 चल रहे हैं, ठीक ठाक है। वी वैप अगर कहेगा वो भी कहेगा 3.75 जो इसकी है प्रेजेंट प्राइस, वही वी वैप भी इंडिकेट कर रहा है कि यहीं पे इसी प्राइस के अकाउंट डिमांड एंड सप्लाई मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, आप ये कह सकते हैं। 52 वीक हाई इसका करीब 5.5 रुपए का है, लो करीब 2.38 है, तो अभी भी काफी पोटेंशियल है इसमें ऊपर जाने का। 374 करोड़ की मार्केट कैप है। यहाँ पे आप दोस्तों चार्ट्स में देखेंगे, अगर 5 ईयर का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ एक बार, तो ये स्टॉक हमेशा से ही लोअर सर्किट अपर सर्किट वाला ही रहा है, बीच में यहाँ पे बहुत अपर सर्किट्स मारे थे, फिर अब काफी टाइम से ये कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है। तो अब दोस्तों अगर आप इसमें पोजीशन बनाते हैं या ऑलरेडी है, तो आप 3 रुपए का स्टॉप लॉस रखिएगा, जो कि इसका काफी रिसेंट का लो है, और टारगेट जो हमारा पहला टारगेट रहेगा 6.5 रुपए का, और अगर इसने 6.5 रुपए के टारगेट्स को तोड़ा तो फिर हम 4.5 रुपए का पहला टारगेट, अगर 4.5 के ऊपर गया तो फिर हम 5 रुपए तक एम करके चलेंगे। उसके बाद क्या हो, फिर 5 को तोड़ा तो फिर ये स्टॉक 10 तक भी जा सकता है, बट वहां पे हमें फिर से एनालिसिस करके देखनी पड़ेगी कि क्या वॉल्यूम्स और क्या चल रहा है। अभी के लिए आप 3 रुपए का स्टॉप लॉस, 4.5 और 5 रुपए के टारगेट। आइए दोस्तों, अब मैं जेपी इंफ्राटेक की बात कर लेता हूं एक बार। तो जेपी इंफ्राटेक का आप देखिए, क्योंकि कंपनी आपकी हमेशा लॉस पोस्ट करती है, तो इनकी जो बुक वैल्यू है वो नेगेटिव है, ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। TTM भी इसलिए नेगेटिव है, वी वैप इनका 3 रुपए के आसपास का आ रहा है, और ये क्लोज हुए है 2.9 पे, तो मतलब वॉल्यूम्स इनकी दूसरी हायर प्राइस पे ज्यादा ट्रेड हुई है। ये स्टॉक देखिए अपर सर्किट पे अपर सर्किट मारा, फिर लोअर सर्किट, फिर अपर सर्किट, फिर लोअर सर्किट, तो कोई आप कह सकते हैं एकदम पेनी स्टॉक वाला बिहेवियर है। ऑलरेडी है आपके पास या आप पोजिशन बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो पेनी स्टॉक्स में दोस्तों आप लोग को पता होगा कि स्टॉप लॉस नॉर्मली थोड़ा बड़े ही हो जाते हैं, तो आपको कोई 2.40 रुपए का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। यहाँ पे आज एक छोटा सा इसने ब्रेकआउट दिया है, तो आप 2.40 रुपए का स्टॉप लॉस रखिएगा, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 4 रुपए के आसपास के। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा नहीं, ठीक ठाक कहूंगा मैं कि है। तो ये रहेगी मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जेपी इंफ्राटेक में। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करिए, ट्रेडिंग बुल्स के नाम से पेज है हमारा। अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।